गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का अपना ऐसा क्लास है, ये कुछ वक्त के लिए थम तो सकती है पर रुक नहीं सकती जब तक मैं हूँ। ठीक है, तो इसलिए वापस से फिर से हम करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो एक थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन गुजर गया क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ हो गया। अभी आपका एग्ज़ाम गुजरा, एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हमारा भी कुछ बिजी पोर्शन हो गया, फेस्टिवल आ गया, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हॉल्ट पे लग गया था। बट फिर वापस से अपन पोजीशन रिगेन करेंगे, वापस से करेंट अफेयर्स अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अप्रैल तक तो सर हम कर ही चुके थे, मई का करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो देखो, करंट अफेयर्स में आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं कभी भी अपनी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ जो करंट अफेयर्स है इसको तो साइड में हमेशा रखो, इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी साइड में रखो। स्टैटिक पोर्शन सबसे ज़रूरी है आपके लिए कवर करना, क्योंकि स्टैटिक मजबूत होगा तो करंट अफेयर्स पढ़ना और इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ये सब आपको पहले मजबूत करने हैं। ठीक है, तो इस स्टैटिक पोर्शन को मजबूत करिए, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो आपका कहीं इफेक्ट ना हो जाए। इसीलिए करंट अफेयर्स में ऐसा कभी नहीं देखोगे आप एक्स्ट्रा क्लास लग रही हैं, ये हो रहा है, टाइम ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, वो सब हम नहीं करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स देखो कहाँ तक क्या लिमिट है, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं चलो जून तक पढ़ा के खत्म कर दूंगा, मेरे को तो पढ़ाते रहना। मई चला जाएगा, जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, करते करते दिसंबर आएगा, फिर 2023 का जनवरी आएगा। ठीक है, ये सिलसिला तो चलता रहेगा, तो ये सिलसिला तो खत्म होने वाला है नहीं। ठीक है, एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, करंट अफेयर चलता रहेगा। वालेकुम सलाम भेजेंगे। चलिए, तो बाकी सारी बातें चलो होती रहेंगी, एक बार मैं चेक कर लूँ, वार्म अप करा देता हूँ आपका पिछले कुछ क्वेश्चन से जो आपने पढ़े होंगे, देखें कितना याद है कि भूल गए कि तुक्का लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये हम कर चुके थे। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिशन प्रोग्राम? गार्बेज फ्री सिटीज का जो फ्रेमवर्क है, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुआ है? कैसे हैं आप लोग? बाकी कैसी तैयारी चल रही है अभी? बाकी जो फॉरेस्टर वाले थे, अभी गम से बाहर आए कि नहीं आए? ओके, आंसर क्या है? ए, बिल्कुल, चलो बढ़िया बात है, याद है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन ये क्या, कुछ गिनती के 5 लोगों का आंसर दिखा रहा है, मौजूद तो ज़्यादा हैं, 5 से 6 लोग आंसर कर रहे हैं, मौजूद तो करीब 35+ हैं, तो आंसर तो देखिए करिए, एटलीस्ट कुछ भी करिए। करेक्ट आंसर इज स्वच्छ भारत अर्बन मिशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? स्वच्छ भारत अर्बन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द ऑफिशियल करेंसी? हाँ जी सर, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द ऑफिशियल करेंसी? केन्या, घाना, नमीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बताइए सर क्या होगा आंसर?
क्या आंसर होगा सर बताइए। डी आंसर है, ए आंसर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है डी आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइएगा। हु हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। ये सब कौन से क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, ठीक है तो ये रिवाइज करा रहा हूं मैं। हु हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। एल्टन ब्राउन, हांग जियो, योनवा पार्क, सिंथिया रोजनजुइग। बताइए सर। सिंथिया जी बिल्कुल, सिंथिया रोजनजुइग इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड फूड प्राइज मिला उनको, ठीक है। अब बताइए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर देना। इसका आंसर दो आप। पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास अवे रिसेंटली प्लेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जनरल सा सवाल है। पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास अवे रिसेंटली प्लेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। संतूर या सारंगी। इट्स संतूर, इट्स संतूर, ठीक है जी। ऑल राइट सर, लास्ट क्वेश्चन। पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 करा था, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी हुज फर्स्ट इमेज वॉज रिवील्ड रिसेंटली। विर्गो, ए स्कॉर्पियन, ए सैगिटेरियस, ए लिब्रा। ये कर चुके हैं, इसका आंसर बताइए। पिछली बार करा था, यहीं पे एंड किया था लास्ट क्लास में सेशन। गुड इवनिंग जी थॉमस मुनरो, क्या हाल है। करेक्ट आंसर इज सेगिटेरियस, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सेगिटेरियस है। चलो जी ये सब यहाँ तक हम कर चुके थे, तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 61। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड $800,000 टू विच प्रोजेक्ट टू इनकरेज द यूज ऑफ हिंदी इन द यूनाइटेड नेशंस। देखो यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे उनको हम फ्रेस्का कहते हैं। फ्रेस्का बोले तो फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पैनिश, चाइनीज और अरेबिक। ये छह ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी कुछ अनऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कुछ एक्सटेंडेड लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज होता है। तो हम चाहते हैं कि उन अनऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी के भी यूज को हम इनकरेज कर सकें। तो हिंदी के यूज को इनकरेज करने के लिए इंडिया ने एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है एक प्रोजेक्ट को। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। गुड इवनिंग जी मीत, कैसे हैं आप। हाँ जी आप दोबारा से काफी टाइम बाद दिख रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका तैयारी। चलो जी करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज हिंदी एट द रेट यूएन, ठीक है, हिंदी अक्रॉस ग्लोब नहीं है। करेक्ट आंसर इज हिंदी एट द रेट यूएन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $800,000 कंट्रीब्यूट किया है यूएन को, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें हिंदी एट द रेट यूएन, तो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, ये 2018 का प्रोजेक्ट है जो हम यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि यूनाइटेड नेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम किसको प्रोवाइड करेंगे, टू द हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम यूएनडीजीसी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। यूएनडीजीसी बोले तो आपका यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ताकि हम एक्स्ट्रा बजटरी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर पाए टू मेन स्ट्रीम न्यूज एंड मल्टी मीडिया कंटेंट ऑफ DGC इन हिंदी, ठीक है। मतलब पर्पज ये है कि जो आपके मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स है
उनको जो कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, उनको जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस कंटेंट दे रहा है, वो क्या प्रोवाइड हो, हिंदी में प्रोवाइड हो, ताकि वो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशंस के लिए भी वो कंटेंट स्टार्ट कर सके। जैसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे बीबीसी है, बीबीसी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में चलता है। इसी तरह से मेन स्ट्रीम न्यूज़ है, वो भी अलग अलग स्पीकिंग पॉपुलेशंस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में चलती है। तो हम चाह रहे हैं वो पैसा यूज़ करके जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है उनसे कहें कि आप अपनी जो न्यूज़ है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस किस लैंग्वेज में प्रोवाइड करो, हिंदी में प्रोवाइड करो, ताकि जो हमारी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो उसको एक्सेस कर पाए। और जब हिंदी में वो लैंग्वेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तो लोगों का ध्यान भी हिंदी की तरफ बढ़ेगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हिंदी को और ज़्यादा फेमस कर पाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रहा है? अब एक बार बात कर लेते हैं कि इंडिया के संविधान में हिंदी के बारे में क्या लिखा है। जैसे कई लोग कहते हैं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं जी ऐसा नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है बट हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर डिक्लेयर्ड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन हाँ हिंदी को, और कौन सी स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये भी याद रखना, स्क्रिप्ट कौन सी हमारी, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली हिंदी को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना है अलोंग विद इंग्लिश। और ये बात किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 क्या कहता है, वो कहता है कि हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। और जो न्यूमरल्स होंगे, वैसे हिंदी में अगर आप न्यूमरल्स लोगे तो कुछ 1, 2, 3 है ना, 4, इस तरह से हिंदी के न्यूमरल्स चलते हैं। 5 तो मैं भूल भी गया कैसे लिखते हैं, 6 शायद ऐसे होता है, 7 ऐसे होता है, ठीक है, इसी तरह से, नहीं ये 7 होता है, इस तरह से हिंदी के न्यूमरल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा भूल भी रहा हूँ। तो हिंदी के न्यूमरल्स उन्होंने नहीं लिए, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो स्क्रिप्ट है वो तो देवनागरी है, लेकिन जो न्यूमरल्स होंगे वो कौन से होंगे, वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अंडर आर्टिकल 343। चलिए, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे वाह, यश जी ने तो बिल्कुल सही लिखा है, हाँ बिल्कुल 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 सही। चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत है? तो दैट वॉज ऑल अबाउट द हिंदी, ठीक है, हाँ इसी तरह से होते हैं आपका ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, 8 और ये 9, ठीक है, तो इस तरह से हिंदी न्यूमरल्स होते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। ऑन वॉट थीम इज द सेकेंड ग्लोबल कोविड समिट बींग हेल्ड? ऑन वॉट थीम इज द सेकेंड ग्लोबल कोविड समिट बींग हेल्ड? बताइए सर, ऑन वॉट थीम इज द सेकेंड कोविड सेकेंड ग्लोबल कोविड समिट बींग हेल्ड? आंसर दीजिए, ऑन व्हाट थीम इज द सेकेंड ग्लोबल कोविड समिट बीइंग हेल्ड? आंसर इज बी, प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग, प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयरनेस, ठीक है, सॉरी। प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस,
ये क्या है सर? हमारी थीम है सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट की। तभी रिसेंटली क्या था, जो आपके ब्रिटेन साहब हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, उनके इनविटेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इस वर्चुअल समिट में। ठीक है, तो इससे पहले जो पहली ग्लोबल कोविड समिट थी वो भी प्रेसिडेंट बिडेन ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, होस्ट करी थी वो 2021, उसमें भी प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर अपनी बात भी रखी, और इस बार जो इसकी थीम थी तो प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयरनेस, ये हमारे इस बार की थीम थी। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब डिसाइड होता है। तो इसमें थीम ये कहना क्या चाहती है, प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, देखो जब पैंडेमिक आता है, ठीक है, तो एक तो आपका जो इंसान बीमार है उसकी थकावट अलग है, प्लस पैंडेमिक से जब हम लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते हमारा सिस्टम भी एक सिस्टम है, ठीक है, वो भी लड़ते लड़ते कोलैप्स होने लगता है। आपने खुद देखा होगा कि जैसे कई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो कोरोना से लड़ रहे हैं, तो लड़ते लड़ते एक टाइम में अच्छे खासे डॉक्टर्स ही कोविड कोविड पॉजिटिव हो गए, अच्छे खासे डॉक्टर्स ही हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ में कुछ डॉक्टर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका सिस्टम कोलैप्सिंग की तरफ जाता है, तो ये हमें होने से बचाना है। अगर पैंडेमिक आता है तो हमें अपना सिस्टम इस तरह से बनाना है कि वो हमेशा पैंडेमिक से लड़ने के लिए क्या रहे, एक्टिव रहे, कभी ऐसा ना हो कि वो हारने लगे, फटीग हो जाए। ठीक है, और अपनी प्रिपेयर्डनेस को प्रायोरिटाइज करना है, यानी हमें ये चीज़ें हमेशा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन पहले मिलनी चाहिए, बेड की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, तो जो भी प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो आपकी पहले से ही अरेंज हो जाए ताकि पूरा सिस्टमेटिकली सारा काम चलता रहे। तो पैंडेमिक से कैसे निपटा जाए इसके रिगार्डिंग ये सारे काम चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, अभी कोरोना कहीं नहीं गया, ठीक है, कोरोना अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 63, रिसेंटली द प्रेसिडेंट कंफर्ड विच मेडल टू द आर्मी जनरल मनोज पांडे। तो अभी आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आर्मी जनरल है मनोज पांडे, तो उनको प्रेसिडेंट साहब ने एक मेडल दिया है, वो पूछना चाह रहे हैं कौन सा मेडल है। आंसर दीजिए। रिसेंटली प्रेसिडेंट कंफर्ड विच मेडल टू द आर्मी जनरल मनोज पांडे। महावीर चक्र। और कुछ सोचिए, डी आंसर या बी। देखिए आंसर जरूर करिए, जो भी आपको लगता है ना, मान के चलिए एग्जाम का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, तुक्का ही मार दो आप, कुछ तो करो, ठीक है, पार्टिसिपेट करो बस। सीना मेडल, वाओ। चलिए सर, करेक्ट आंसर पे आते हैं। इसमें बड़ी मिक्स राय है, मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल छोड़ के सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑप्शन छोड़ के सारे आंसर आ रहे हैं। दो लोगों ने, इंदिरा मोदी जी ने अपना संदेह जताया है कि हो सकता है सर आंसर सी हो, और ताचिंग दुदुंग ने भी कहा है ये हो सकता है परम विशिष्ट सेवा मेडल आंसर हो, और करेक्ट आंसर इज परम विशिष्ट सेवा मेडल। अरे उम्र तो देखो मनोज पांडे साहब की, रिटायरमेंट पे आ गए वो, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अब वो थोड़ी ना कुछ वॉर लड़ने जा रहे हैं तो वो परम वीर महावीर जीतेंगे। अब उन्हें कोई मेडल मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जो उनकी एक लंबी खासी सर्विस को डिनोट करता हो, यस और नो? तो इसीलिए उनको कौन सा मिला, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये मिलिट्री अवार्ड है, 1960 से चलता आ रहा है, तो पीस टाइम में सर्विस के लिए ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर एंड मे बी अवार्डेड पॉस्टमसली। पॉस्टमसली मतलब मरने के बाद भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो सारी रैंक्स इंडियन आर्म फोर्सेस की, जैसे टेरिटोरियल आर्मी हो गया, ऑक्सिलरी रिजर्व फोर्सेस हो गया, नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए, और जो भी नर्सिंग सर्विसेज के मेंबर्स हैं, और जो भी लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्म फोर्सेस हैं, वो सब इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशन में करते हैं तभी आपको अवार्ड मिल सकता है, ये आपको हर तरह की आर्मी की सर्विस जो लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड है उसमें ये अवार्ड आपको मिलेगा। ठीक है जी,
इज दैट क्लियर? आई डोंट नो व्हाई माई तुक्का इज करेक्ट। मार्शल जी, जब एक बार पढ़ते पढ़ते फिर ज्यादा आप पढ़ लेते ना, फिर आपकी इंट्यूशंस काम करती है, फिर इंट्यूशंस से आंसर आप लगाते हैं और वो सही बैठ जाते हैं। एक होता है ना तजुर्बा, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, तो आपके पास एक्सपीरियंस आता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही आप एक दिन केबीसी में जाओगे, तजुर्बे के बेसिस पर सारे आंसर देके करोड़पति बन जाओगे। कहाँ सर, 4,000 की कोचिंग ज्वाइन करी थी, 1 करोड़ के मालिक बन गए। व्हाट अ डिफरेंस। ठीक है, तो बढ़िया बात है, तजुर्बा आ रहा है, आंसर करेक्ट होते जा रहे हैं। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। इन विच स्टेट इज विलेज मंगहर सिचुएटेड दैट विल बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। एक विलेज है मंगहर, जो विलेज ऑफ हनी बनने जा रहा है वो किस स्टेट में है, ये सवाल है। बताइए। साइनस का प्रॉब्लम शायद हो सकता है, मुझे बहुत जल्दी जुकाम होता है, जुकाम खांसी मुझे लगा रहता है, अब तो ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, जब नहीं होता तब मैं अनहेल्दी फील करता हूँ। ऑलराइट, तो सर विलेज ऑफ हनी उड़ीसा। नहीं भैया, करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो यूनानिमसली तो नहीं, मेजोरिटी ने तो क्या कहा, उड़ीसा का, बट करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो मंगहर इज अ विलेज इन महाराष्ट्र। अब कुछ कहेंगे सर मैंने तो कहा था एम फॉर मंगहर एम फॉर महाराष्ट्र, मेरा तुक्का सही चला गया। ये वाकई में तुक्का होता है, ठीक है, इसमें कोई रैशनलिज्म नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। तो मंगहर इज अ विलेज इन महाराष्ट्र महाबलेश्वर। अब इसी बात पे कनेक्ट करते जाओ चीजें, महाबलेश्वर माउंटेन पीक, महाबलेश्वर क्या एक माउंटेन पीक है महाराष्ट्र में, एक सवाल तो यही बन जाएगा, महाबलेश्वर माउंटेन पीक कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब इस महाबलेश्वर माउंटेन पीक से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट करती है, जल्दी से उसका नाम कमेंट में बताओ। ठीक है, महाबलेश्वर माउंटेन पीक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, जल्दी से बताइए। हाँ जी सर, महाबलेश्वर माउंटेन पीक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती, जल्दी से बताइए। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। लो भाई, नर्मदा भी ऑप्शन में आ गया, कृष्णा भी आ गया, गोदावरी भी आ गया। जो लोग गोदावरी बता रहे हैं उनको मैं बता दूं, गोदावरी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, बट वो होती है त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर। महाबलेश्वर से जो ओरिजिनेट होने वाली रिवर है वो है आपकी कृष्णा। ठीक है, कृष्णा रिवर। तो ये रिवर्स वगैरह मैं पढ़ाता रहता हूँ, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले रिवर्स कंप्लीट कराई थी, उनको याद होगा कृष्णा रिवर, याद है कि नहीं है, मैंने बताया था कहाँ से ओरिजिनेट होती है सर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर पीक है, महाबलेश्वर सेकंड हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, फिर वहाँ से उसमें एक रिवर मिलती है भीमा, ठीक है, उसमें मीरा, मानसिना, फिर नीचे आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगा भद्रा, और
वो सब आपका क्या कहते हैं, घाट प्रवाह, माल प्रवाह है ना, दूध प्रवाह, तो ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से महाबलेश्वर पीक से जो रिवर ऑरिजिनेट होती है वो कौन सी है, कृष्णा। तो वहां पर आपको जो विलेज है मंगर, वहां पर उसको क्या बना रहे हैं, विलेज ऑफ हनी बना रहे हैं, द फर्स्ट सच इन द कंट्री। अब देखो विलेज ऑफ हनी बनाने से फायदे तो आप समझते हो, रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा, और ये सारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कर रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उस बॉडी का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट हनी बी, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट हनी बी, अंडर विच द विलेज ऑफ हनी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसके तहत वहां पर क्या होगा, वहां पर बीज की रेयरिंग होगी, बी कीपिंग की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हनी प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो विलेज ऑफ हनी है ऑलरेडी, उसको बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, इसमें आउट ऑफ द 100 फैमिलीज इन द विलेज, 80 आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बी कीपिंग, और जितनी बी कीपिंग करोगे उतना ही आप हनी प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है, हनी प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो बी कीपिंग बिजनेस में 80% गाँव लगा हुआ है, 80% फैमिलीज मतलब 80% गाँव, 80% गाँव लगाया, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, आपका रूरल इकोनॉमी का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ, घाट माल प्रभा, घाट प्रभा, पंचगंगा, दूध, ये सब है, कोयना वरना, ऐसा पूरे सीक्वेंस है, कोयना वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगाभद्रा, ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस है। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। देखो ये रिवर ओरिजिन, ओरिजिन जो है ये जरूर याद रखिएगा, है ना, इसीलिए मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ, ताकि साथ ही साथ क्या हो जाए, करंट अफेयर्स तो होता ही रहे, प्लस साथ ही साथ स्टैटिक भी मजबूत होता रहे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 65, साइक्लोन आसनी अगर याद होगा तो पिछली बार भी इसकी बात की थी, जो बे ऑफ बंगाल में आपका एक्टिव हैज ए ट्विन, इसका नाम श्रीलंका ने रखा हैज ए ट्विन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्विन साइक्लोन। अभी साइक्लोन आसनी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ रहा है, बे ऑफ बंगाल की तरह नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक्टिव है, तो अभी देखा गया इसी का एक जुड़वा भाई है, वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में काम कर रहा है, तो उसके जुड़वा भाई का नाम पूछ रहा है ये, ठीक है। तो साइक्लोन आसनी अकेले नहीं आया, उसका भाई भी आया, तो वो क्या पूछ रहा है, उसके भाई का नाम। फानी, नीलम, करीम, गुलाब। फानी तो पता होना चाहिए, इससे पहले भी एक साइक्लोन आ चुका है, वो अलग साइक्लोन था, ठीक है, तो फानी तो नहीं है। नीलम, करीम, गुलाब, करीम, करीम तो सत्तो तर कुछ कबाब याद आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इज साइक्लोन करीम, ठीक है, साइक्लोन करीम। तो ये देखो, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाली कोस्ट है, ये आई लव माई इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल में कौन है, साइक्लोन आसनी, इसका डायरेक्शन देख लो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे जो टकरा रहा है, ये कौन सा साइक्लोन है, साइक्लोन करीम, साइक्लोन करीम। तो जितने नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में आपका आसनी है, उतने ही नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में आपका कौन सा आ रहा है, साइक्लोन करीम। तो साइक्लोन करीम इज अ ट्विन ऑफ साइक्लोन आसनी। सर ये क्या बात हुई, सर पहले याद रखो साइक्लोन कौन सा है, कौन से कोस्ट पे आया, कौन सा कंट्री ने उसका नाम दिया, अब उसके जुड़वा भाई को भी याद रखो। देखो भाई जो भी एग्जाम में आ सकता है सब याद रखो, है ना, और ऐसा नहीं है कि
रटना पड़ेगा इसको बार बार, अपने आप रिवाइज करते रहो, अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। ठीक है, आपने कभी ऐसा था कि अपना नाम आपको रटवाया गया हो कॉपी में लिख लिख के कि माई नेम इज दिस, माई नेम इज दिस, है ना, माई नेम इज सोमस मुनरो, कभी ऐसा हुआ है कि माई नेम इज गामी हो रही, माई नेम इज आर्या तनर, तो मतलब ऐसा तो नहीं कभी हुआ आपने नाम रटा, लोग बोलते गए आप सुनते गए तो याद हो गया। सेम आपके कंसेप्ट है, जितना रिविजन दोगे उतना ही जल्दी याद करोगे। हाँ, साइक्लोन के जो नेम्स होते हैं ये पूरा एक रीजन बन जाता है, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं टर्न बाई टर्न नाम रखती चली जाती हैं। ठीक है, रीजनल एरियाज में टर्न बाई टर्न कंट्रीज वो साइक्लोन का नाम रखती चली आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। रिसेंटली कार्बन डेटिंग ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन इन तमिलनाडु हैज फाउंड द एविडेंस ऑफ बेश एज। अभी तमिलनाडु में कुछ कार्बन डेटिंग हुई है। कार्बन डेटिंग से क्या होता है, हमें किसी भी चीज की एज का आइडिया लग जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। ठीक है, तो थॉमस जी आप अपने नेम का भी रिवीजन करिए। ठीक है, नेक्स्ट श्रीलंका के बाद मार्शल मुझे अभी याद नहीं है, ध्यान नहीं है कौन रखेगा, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, देख के बता पाऊंगा। हाँ जी, तो अभी कार्बन डेटिंग से अभी तमिलनाडु में कुछ खुदाई वगैरह हुई थी, कुछ एक्सकेवेशंस हुआ था वहां पर, कुछ फाइंडिंग्स कुछ मिला था हमें, तो उनकी फाइंडिंग्स ने हमें किस एज का एविडेंस दिया है, मतलब या तो आयरन कॉपर ब्रोंज स्टोन क्या मिला है। तो हमें वहां पे जो एविडेंस मिला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज आयरन एज, तो कॉपर ओपर नहीं, आयरन एज का एविडेंस मिला है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आयरन जो है कुछ 42,000 4200 ईयर्स अगो यूज होता था। ठीक है, 4200 ईयर्स अगो अगर आप मानो तो 2022 तो अभी चल रही है, तो 2000 साल तो ये हो गए, तो मतलब कुछ 2000 BC के करीब वो बोल रहे हैं कि आयरन यूज होता था। ठीक है, तो जो तमिलनाडु में आपको फाइंडिंग्स मिली हैं उसके हिसाब से 2000 BC के अराउंड भी आयरन इंडिया में यूज होता था। ठीक है, तो अभी जो हम लोग मानते हैं आयरन एज, अभी हम मानते हैं जो आयरन की डिस्कवरी हुई थी वो कुछ आपका 500 BC के अराउंड हुई थी, जब आपके महाजनपद बनने लगे थे। ठीक है, जनपद से जब महाजनपद बन रहे थे वो लेटर वैदिक एज में। ठीक है, लेटर वैदिक एज के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें हम मानते हैं आयरन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, लेटर वैदिक एज के अराउंड, तो 500 BC कुछ। लेकिन अभी जो फाइंडिंग्स है वो बताती कि आयरन आज का नहीं है, मतलब जो हम जितना पुराना मानते हैं उससे भी ज्यादा आयरन पुराना है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये जो आपकी रिसर्च हुई है ये कहाँ पर हुई है, तमिलनाडु में फाइंडिंग्स मिली है, तो नॉर्थ इंडिया में भी इसके अकॉर्डिंग फिर फाइंडिंग्स ढूंढने की कोशिश की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें और आइडिया लगेगा कि आयरन और कितना इंडिया में पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर विच प्रोग्राम प्रोजेक्ट, शुक्रयान, मंगलयान, गगनयान, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर टेस्ट किया है। अच्छा, रॉकेट बूस्टर का काम क्या होता है, सॉलिड मतलब वो सॉलिड फ्यूल पे चल रहा है, रॉकेट बूस्टर का काम क्या है, तो रॉकेट बूस्टर का बेसिकली काम ये है कि मान लो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, अब हमें कोई सैटेलाइट भेजनी है अर्थ से मून में, तो ये अर्थ का ऑर्बिट है, यानी अगर इस ऑर्बिट में आप रहोगे तो आप किसके चक्कर लगाते रहोगे, अर्थ के, और ये मान लो मून का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में आप रहोगे तो आप किसके चक्कर लगाने लगोगे, मून के, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब सैटेलाइट यहां से लॉन्च किया, मान लो अर्थ के ऑर्बिट में भेजा, तो ये अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही थी सैटेलाइट, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा आया जब इसको ये भेजना हमें मून के ऑर्बिट में था, लेकिन अभी तो ये अर्थ के ऑर्बिट में, तो अर्थ के ऑर्बिट से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये शिफ्ट हो जाए किसमें, मून के ऑर्बिट में। ठीक है, ऑलरेडी ये अर्थ के ऑर्बिट में था, अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दो ताकि ये कहां पहुंच जाए, मून के ऑर्बिट में।
अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी उस रॉकेट को जिसमें सैटेलाइट है वो कौन देगा? ये रॉकेट बूस्टर देगा, ठीक है? ये रॉकेट बूस्टर का यही काम है कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है? तो अभी एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है HS-200, उसको टेस्ट किया है इसरो ने। तो वो किस प्रोजेक्ट के लिए या किस प्रोग्राम के लिए यूज होने वाला है, ये हमारा सवाल है, ठीक है जी? पूरी वाला एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज गगनयान, ठीक है? तो ये किस मिशन के लिए है, किस प्रोजेक्ट के लिए? गगनयान के लिए। देखो HS-200 इसलिए थोड़ा सा स्पेशल बनाया जा रहा है क्योंकि अब जो गगनयान में रॉकेट जाएगा उसमें कोई सैटेलाइट नहीं जाने वाली, कोई मशीन नहीं जाने वाली। गगनयान जो रॉकेट जाएगा GSLV MK3 जाएगा, ठीक है? कौन सा रॉकेट हम लेके जाएंगे, कौन सा लॉन्चर लेके जाएंगे? GSLV MK3 रॉकेट लेके जाएंगे, ठीक है? जो गगनयान मिशन के लिए यूज होने वाला है। तो ये बूस्टर ऐसा होना चाहिए जो इंसानों के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो, ठीक है? इंसानों को ले जाने के कैपेबल हो, क्योंकि इसमें अब ह्यूमंस जाएंगे, कोई मशीन नहीं जाने वाली है। तो ह्यूमंस के हिसाब से इसको एडेप्टेशन चेंजेस करे जाएंगे, ठीक है? तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? गगनयान प्रोजेक्ट। इसमें गगनयान प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एस्ट्रोनॉट्स, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, पहली बार ऐसा होगा कि हिंदुस्तान की एजेंसी इसरो, अभी तक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स गए हैं विद द हेल्प ऑफ नासा एंड आपका जो रॉस्कोमोस है रशिया की एजेंसी, बट इंडिया की खुद की एजेंसी इसरो पहली बार ह्यूमंस को स्पेस में भेजने जा रही है, ठीक है? पहली बार ऐसा हो रहा है। तो उसी के लिए मिशन हमने कौन सा नाम दिया, गगनयान मिशन। तो ये कुछ बहुत जल्द इस साल, अदरवाइज नेक्स्ट साल पक्का ये आपको मिशन होता हुआ पूरा दिखेगा, ठीक है जी? तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर का काम समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट? अगर ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर का वर्क क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सो सर अभी मतलब शुरू, कोई इंदिरा मोदी जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप आराम से अपना UGC नेट का क्लास अटेंड करिए, इसके बाद रिकॉर्डिंग देख लीजिए। वैसे भी कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है? 67 क्वेश्चन हमने कर लिया, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है? वो बाद में देख लीजिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच स्टेट एज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग लॉन्च करने वाला कंट्री का पहला स्टेट कौन सा है, बताइए? सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो कई लोगों का कमेंट आता है कई बार यूट्यूब पे जब हम इसे अपलोड करते हैं या फेसबुक पे कि सर आप जो आंसर देता है बहुत स्लोली देता है, बहुत देर में देता है। देखो जी, आप उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो लेक्चर देख रहे हो वो है रिकॉर्डेड, ठीक है? बट वो क्लास हुई थी लाइव। अब लाइव क्लास में हम आपको टाइम देते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर आंसर करो, उस फिर हम इंटरेक्ट करें, यही तो लाइव का मतलब है। अगर मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देना होता तो मैं लाइव ही क्यों रखूं, मैं रिकॉर्डेड दे दूं इसको, और रिकॉर्डेड भी क्यों ही दे दूं, फिर रिकॉर्डेड में अगर मुझे बोलना ही है तो वो मैं लिख के दे दूंगा, नोट्स दे दूं, तो फिर पर्पस खत्म होता चला जाता है, ठीक है? तो जो लाइव क्लास का पर्पज है एसेंस से वही नहीं बचता है। तो अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो आप लोग उसको स्पीड फास्ट कर लीजिए, ठीक
ठीक है, 1.52 टाइम्स कर लीजिए, ठीक है जी। तो सॉल्यूशंस निकालिए चीजों के। चलो जी, तो इसके आंसर पे आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ट्राइबल यूथ के लिए, ट्रेनिंग के लिए अलग से प्रॉपर अरेंजमेंट करा गया है, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, एज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग इन भोपाल अंडर द पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है जी। इन द पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टेक्निकल ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू रूरल ट्राइबल यूथ। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल मार्शल जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। एक एक क्वेश्चन में जितनी भी जानकारी दी जा सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टेक्निकल ट्रेनिंग जो रूरल ट्राइबल यूथ है। इस तरह का कोई प्रोग्राम पहली बार किसी स्टेट में लॉन्च हुआ है वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो बाकी सारी जानकारी इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक बार पढ़ लो काफी है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बुद्धा वनम टाउटेड टू बी एशियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड विच इन विच स्टेट। एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क बन रहा है बुद्धा वनम, वो किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? अब ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल जीके के सवाल है, ठीक है। किसी दिन एग्जाम में आ जाएगा जीके के नाम पे, आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज होती है आपने सीखा कितना। अगर सिर्फ एक 10 में से 1 सही हो रहा है, 9 गलत हो रहे हैं, तो आप ये भी तो देखो, 9 9 9 टॉपिक्स, 9 आंसर्स आपने सीखे भी तो, जो 9 टॉपिक्स थे, 9 न्यू फैक्ट्स आपने सीखे भी तो, ऐसे भी तो आप देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल गामी जी, मैं भी ये कहता हूँ एग्जाम में गलत करने से बढ़िया यहीं कर लो, ठीक है। चलो जी, तो बुद्धावनम जो पार्क है वो आपका कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का एक प्रेस्टीजियस बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क, ये पूरा प्रोजेक्ट है बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क, ये पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। कहाँ पर, किस एरिया में? नागार्जुन सागर जो एरिया है वहां पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये नागार्जुन सागर से याद आया, नागार्जुन सागर डैम भी तो है। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे है? नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे, बताइए जरा। बिल्कुल नहीं पहुंचे, अब पहुंच जाइए। करेक्ट आंसर इज कृष्णा रिवर, ठीक है। वही फिर आ गई, अब देखो फिर कृष्णा रिवर आ गई। कृष्णा रिवर बोले तो ओरिजिन महाबलेश्वर माउंटेन पीक, ठीक है। तो सारी चीजें कनेक्ट है एक दूसरे से। जीके वास्ट लगती है बट घूम फिर के जब दुनिया गोल है तो जीके कितना घूम जाएगी, ठीक है। जीके कितना फैल जाएगी जब इतनी बड़ी दुनिया गोल हो जाती है, तो ये सब घूम फिर के कनेक्ट हो जाती है चीजें। अब ये आपके ऊपर है कैसे इसको करो, ठीक है। तो नागार्जुन सागर डैम किस रिवर पे? कृष्णा रिवर पे। और अभी आज हमने कृष्णा ही के बारे में तो चीजें पढ़ी। चलो जी, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीटिंग्स इन 2022, ठीक है। देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो इसके अंडर एक बॉडी आती है रैट्स। पहला सवाल तो यही आ जाता है, रैट्स किसके अंडर है, एससीओ के अंदर है। इसमें ये वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस है, सार्क के अलावा ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सार्क और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को छोड़ दो तो उनके अलावा ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का एक बॉडी है रेड्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। यही क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो उसकी अभी मीटिंग हुई थी 2022 में, तो उसका होस्ट कंट्री कौन सा था, रेड्स का होस्ट कंट्री कौन सा था, ये सवाल है। हाँ जी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान या इंडिया। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। चलो करेक्ट आंसर पे अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली इंडिया है। ठीक है, पहले अगर तुक्का लगाना तो सर भारत पे लगाएंगे, ये हमारी देशभक्ति है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, तो एससीओ के जो मेंबर नेशंस है उनके बीच ये पूरी मीटिंग हुई, और रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है ये, इसका काम ये रहता है कि जो ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है उससे डील करा जाए। ठीक है, और इस बार की जो काउंसिल है, रेड्स की जो काउंसिल है, उसको किसने चेयर किया था, इंडिया ने चेयर किया था। अब ये रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है क्या, तो ये एससीओ का पार्ट है, परमानेंट बॉडी है। तो एससीओ मेंबर्स के बीच प्रमोशन करना, मतलब इंटरेक्शन बढ़ाना, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक साथ मिलके काम करना। ठीक है, बेसिकली करते क्या है, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे चाइना के पास कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो वो इंडिया को प्रोवाइड कर देगा, इस तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब मेन सवाल आता है, रेड्स जिसके अंडर काम करता है एससीओ, ये एससीओ क्या है, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट यही बॉडी है। ठीक है, मल्टीलेटरल एसोसिएशन है जहां पे यूरेशियन रीजन आपको चमकता दिखेगा। 2001 में जब एससीओ बना था उससे पहले कुछ मेंबर्स थे इसके, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, चाइना, ये पांच मेंबर्स हुआ करते थे, और ये अपने आप को पहले शंघाई फाइव कहा करते थे, पहले क्या कहते थे अपने आप को, शंघाई फाइव। फिर बाद में इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हुआ 2001 में, फिर इसका नाम क्या रख दिया गया, एससीओ। किसके ऐड होने से, उज्बेकिस्तान के ऐड होने से। फिर उसके बाद इसमें इंडिया ऐड हो गया। ठीक है, फिर अभी अगर हम बात करें, इसमें इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ऐड हुए, तो लेटर ऑन इसमें फिर इंडिया और पाकिस्तान ऐड हो गए। फिर अब ये क्या नाम चल रहा है, एससीओ। अभी इसमें ईरान की भी बिड थी फुल मेंबर बनने की, उसको भी अप्रूव कर दिया गया, तो कुछ टाइम में इसमें आपको ईरान भी एज ए मेंबर दिखाई देने वाला है। ठीक है जी, तो इसमें दो परमानेंट बॉडीज है, एक तो सेक्रेटेरिएट, तो अगर पूछे एससीओ का हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, बीजिंग में। और जो रेड्स का कमेटी है वो कहाँ पर है, ताशकेंत। ताशकेंत इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ठीक है, किसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। गिन लो आप कितने हैं, पांच तो पहले थे, बाद में कौन ऐड हो गया, उज्बेकिस्तान, छह, इंडिया, पाकिस्तान और ऐड हो गए, आठ हो गए, फिर अब मान सकते हो नौ, क्योंकि अभी फॉर्मेलिटीज बची हैं कुछ, वो भी पूरी हो जाए तो नौ मान लेना आप इसमें। ठीक है, ईरान को भी। हाँ जी, यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर डिस्कशन से लगता हो कुछ फायदा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, और अपने कलीग्स में इसको आप शेयर कर सकते हैं, जिनको आपको लगता है जिन तक अगर ये पहुंच के कुछ फायदा कर सके। ठीक है, तो क्लास का पर्पस सिंपल यही है कि आपको करंट में जो चीजें हैं उससे अवेयर कराना, अलोंग विद कनेक्टिंग योर स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है स्टैटिक ज्यादा से ज्यादा मैं आपका यही रिवाइज करा दूँ जितना भी पॉसिबल हो, और चीजों को कनेक्ट करना सिखाऊं। पर्पस मेरा यही है, चीजों को कनेक्ट करना आपको सिखाया जाए, क्योंकि जितना आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना ही आपको मजा आने वाला है और उतना ही आप जल्दी सीखोगे। ठीक है, चलिए जी सर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, कल इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।